अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुसाफिर ज़िया। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज फोर्थ डे स्टार्ट हो गया रमज़ान का माशाल्लाह के साथ। हमारी भी सहरी की जो है वो तैयारी चल रही है। हमने हाफ फ्राई साथ में कर लिया, साथ में ब्रेड के जो है टोस्ट लाइट से खा रहा हूँ, और साथ में लस्सी जो है वो भी तैयार होने के लिए रखती है। सहरी जो है वो तैयार हो चुकी है, हाफ फ्राई साथ में ब्रेड्स हैं और स्लाइस ब्रेड के और साथ में लस्सी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मुसाफिर ज़िया। अभी कुछ देर पहले सो के उठे हैं, 5 मिनट हो रहे हैं अभी, और अजाने हो रही हैं। शायद अजाने ना सुनाई देती तो मैं ना उठता। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, 1:20 हो गए। अभी बस उठते हैं, उठ के तो नहा लेते हैं, फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है नॉब रूटीन पे आते हैं। क्या करना है अभी जो है वो कुछ चीज़ें मंगवाई थी पाना मार्ग से, तो डिलीवरी बॉय आ गए, चीज़ें कलेक्ट करते हैं। और अभी तक बाइक का वेदर भी नहीं देखा मैंने, आज का वेदर कैसा है। वहाँ हल्की की है लेकिन धूप आज अच्छी खासी निकल रही है। मौसम प्यारा है आज, हल्की हल्की सी धूप है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। सब इस तरह का मौसम जो है ना वैसे फरवरी के एंड पे होता है, लेकिन तब भी अगर स्मोक वगैरह ना हो, फॉग वगैरह ना हो। खैर हमारे यहाँ तो स्मोक ही होती है, फॉग तो होती नहीं है, और भी जा सकता है। आज तो नींद भी अच्छी खासी पूरी हो गई है। आज संडे है और लड़का भी आज जो है वो लेट आएगा काम वाला, तकरीबन 11 तक मुझे 5 बजे तक आ जाऊँगा। महमूद जो है क्योंकि उसने फैमिली के साथ कहीं जाना है, उसके संडे को ऑफ होते, बट रमज़ान की वजह से मैंने उसको बोला कि आ जा, तो रमज़ान की वजह से वो आएगा। याद आया मुझे कि जो मीट है वो ऊपर पड़ा हुआ है, वो फ्रीज हुआ होगा सारे का सारा, तो निकाल उसको बाहर रखना पड़ेगा और उसकी पैकिंग भी करनी पड़ेगी। एक्चुअली मैं लेके आया था उसको, मैंने अलग अलग नहीं लिया था, तो ये ऊपर सारे का सारा कैसे पड़ा हुआ है और तो इसको बाहर रखते हैं ताकि कि कुछ मेल्ट हो जाए, फिर इसको अच्छी तरह से अलग करके वॉश कर लेंगे। फिर दोबारा किचन में आ चुके हैं और मैंने चिकन को डीप कर दिया था, मटन को तो नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा फ्रीज था, इसको डीप कर दिए, तो इसको वॉश करके तो पैक करके रख लेते हैं, जितना बनाना है वो अलग कर लिए, और उसके साथ जो है कुकिंग स्टार्ट करते हैं, जो जो चीज़ें बनानी है वो तैयार कर लेते हैं। तो तब तक लड़का भी आ जाएगा, तो फिर उससे बाहर से जो चीज़ें मंगवानी हो बाहर से मंगवा लेंगे। कल को जो है वो खुद कुकिंग सारी स्टार्ट करनी है, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, तो आज तक जो है वो बाहर से मंगवा के इन्जॉय कर लेते हैं। यानी कि जो बाहर फूड भेजना है वो बाहर से मंगवाना है, बाकी खुद तैयार करते हैं। बाहर कोई आया है इस टाइम पे महमूद हो सकता है, बट उसने कहा था कि मैं सिर्फ 5 बजे तक आऊँगा, अभी 4:20 चेकआउट करते हैं। वालेकुम सलाम, हम कैसे हो। हमारी थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने रोज़े को कट करके इसके स्टोरेज बॉक्स के अंदर रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि मेरी कम यूजिंग होती है। यहाँ पे कटिंग कर ली है हमने सारा फ्रूट्स अपना, और वो मैंने ये बड़ी जो है वो पानी में डीप कर दी हैं, बढ़िया जो कुछ टाइम तक वो हो जाएगी। बाकी फिर इंशाल्लाह आलू भी हमारे पास पड़े हुए हैं, चने भी पड़े हुए हैं, उनको मिक्सअप करते हैं, बाकी प्याज वगैरह हरी मिर्च है और पुदीना वगैरह बाद में उसमें ऐड कर लेंगे। अभी जो है ना लाइट का इशू हो गया,
देख रहे हैं आप लो आ रहा है वोल्टेज बिल्कुल ही, और आई नहीं 147 तक आ रहे हैं। और मैं खुद को मैंने भेजा है भाई मीटर से चेक करके आने का, क्योंकि लास्ट टाइम भी तकरीबन कुछ दिन पहले ही ये ख़राब हुई थी, तो वायर जो है बाहर से हीटअप कर देती है, लोड ज़्यादा होता है उसके ऊपर स्पार्क स्टार्ट देती है। देखें ये एक फेस नहीं आ रहा, दो फेस आ रहे हैं, एक फेस नहीं आ रहा, चेक करते हैं बाहर से। मैं उसको भेजा तो वह मीटर चेक करते आने का, तो फिर इलेक्ट्रिशियन को आना पड़ेगा। आइडिया होगा कोई? आवाज़ तो नहीं सर आ रही। देखते हैं इसको, ये लो और जाके सामान लेके आओ। ऑटोमेटिक जो है ठीक हो गई, जाके चेक करते हैं अभी वोल्टेज पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आई थिंक ये आ गए, अब ऑन हो गया। अभी वोल्टेज कम है लेकिन ऑन हो गया। फ्रूट चाट हमारी रेडी, क्रीम ऐड कर ली, बस उसको मिक्सअप करते हैं, निकालते हैं और फिर दही बड़े बना लेते हैं। तब तक महमूद आ जाएगा, फिर बाकी चीज़ें उसकी तैयार करेंगे, उसको भेज के फिर अपना जो बाकी चीज़ें बचेंगी उसको फ्राई कर लेंगे। अफ्तारी की जो तैयारी होगी, महमूद चला गया जो बाकी चीज़ें देनी थी वहाँ पे, और मैंने अभी भी अफ्तारी का इंतजाम कर लिया है, बट अभी लाइट का इशू हो रहा है तो लाइट नहीं आ रही है एक फेस के अंदर। एक्चुअली दो मीटर्स लगे हैं और दोनों थ्री फेस वाले हैं, तो छह फेस में से एक फेस के ऊपर जो है ना वो लाइट नहीं आ रही, कोई वायर का इशू होगा। अभी इलेक्ट्रिशियन को कॉल की है तो अफ्तारी के बाद जो है ना वो आ जाएगा। तो अभी मैंने एयर फ्रायर भी जो है इस रूम में रख के लगाया हुआ है, यहाँ भी चल रहा है, अभी तक 5 मिनट और लगेंगे तो ये हो जाए वहाँ पे, क्योंकि एक फेस में लाइट नहीं आ रही थी इस वजह से यहाँ पे लगाना पड़ा। गाइस अभी जो है हमारी फ्राई वाली चीज़ें जो है वो तैयार होगी, उनको मैंने एक बार मिक्स भी कर ली है। अब एक से दो पकौड़े हम लेंगे साथ में और उनको भी साथ में रखे तो एयर फ्राई के अंदर एक बार थोड़ा सा रीफ्राई कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि फ्रेश हो जाएंगे। आज बिल्कुल ठीक हो गए, कल जो था कल ज़्यादा हो गए थे। हमारी अफ्तारी जो है वो रेडी होगी। पानी आज जो है वो एक हमने मैंगो वाला बनाया, और साथ में अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा पानी का कलर चेंज है, बट ये पानी बनाया नहीं, खुद बन गया। हुआ क्या कि मैंने एक बोतल के अंदर सप्लीमेंट डाल के रखा हुआ था पानी के अंदर मिक्स करके, तो मुझे याद नहीं रहा उसका और मुझे लगा कि वो ठंडा पानी है। मिक्सअप करने के लिए मैंने इस बोतल में रिफ़िल किया, तो जैसे इसमें डाला और पानी इसमें एक्स्ट्रा डाला, मैंने कहा कि इसका कलर क्यों ऐसा हो गया, तो पानी को क्या इशू है। जब मैंने इसको पास किया हल्की इसकी स्मेल ली तो मुझे पता आइडिया लगा कि ये तो सप्लीमेंट डाला हुआ है। तो आज हमारे पास दो पानी हो गए। इलेक्ट्रिशियन का वेट हो रहा है कि वो आ जाए और आके ये लाइन को ठीक करे, ना आया तो खुद देखता हूँ, खुद तो अगर कर सका, नहीं तो उसको ही बुलाया हुआ है वो आके करे, क्योंकि मेन लाइन का मसला है। अगर ना ही लाइट सही होती तो फिर रात सारी बंद रहेगी और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह लाइट का जो इशू था वो सॉल्व आउट हो चुका है। बेसिकली लाइट की प्रॉब्लम यहाँ से नहीं हो रही थी, बैक साइड से हो रही थी, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अभी महमूद भाई बाहर से आए थे तो उन्होंने आपको मुझे बताया कि सर लाइट का इशू सॉल्व हो गया, हमारा नहीं था मेन था जो सबका लाइट इशू आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ठीक हो गया। ये भी शुक्र इलेक्ट्रिशियन ही आया, अभी इलेक्ट्रिशियन ही जो था मुझे तकरीबन 8:30 बजे तक आने का कहा था कि मैं 8:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, और अभी 8 बज गए। तो अब मैंने उसको कॉल करके मना कर दिया कि भाई हमारा लाइट का इशू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व आउट हो चुका है, और थैंक यू आपका टाइम निकालने के लिए। तो अभी जो है कुकिंग का इरादा भी मेरा कैंसिल हो गया, उसकी जो मेन रीज़न है कि गेस्ट आ रहे हैं
तो गैस कौन है आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर तक। तो अभी उनका बस वेट तो नहीं कर सकते, अभी आई थिंक वो डीएचए वाली साइड पे हैं, वहाँ से उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पे कुछ इवेंट है वो अटेंड करेंगे, उसके बाद जो है वो मूव करेंगे मेरी साइड पे। तो देखते हैं हमारे पास 1 दिन 2 दिन कितने दिन के लिए वो मेहमान नवाजी का हमें मौका देते हैं। तो बस वो आएंगे फिर उनसे ही डिस्कस करके, जैसे उनको ईजी लगेगा जो उनको अच्छा लगेगा फिर उसी हिसाब से। मे भी हो सकता है कि आउटसाइड चले जाएँ सहरी के लिए, या फिर अगर उनको ठीक लगा तो फिर घर पे बना लेंगे। अभी मैंने वैसे आटे की जो है वो डो बना ली है, उसकी मेन रीज़न की सुबह सहरी के लिए। तो बाकी कुकिंग वगैरह तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ कुक करनी है तो उससे टाइम भी हो जाएगी, 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे काम जो पहले से हुए हों तो तब आसानी हो जाती। जी अभी जो है वो तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं और मैं बाहर रूम में था और अभी भी बाहर निकला हूँ। एक्चुअली रोबिन का अभी अभी मैसेज आया था कि मैं रास्ते में हूँ और आ रहा हूँ, तो वो भी मैंने उसको टेक्स्ट किया था उसको विश करने के लिए, उसका एक्चुअली बर्थडे है। तो अभी उसने रिस्पॉन्स किया कि मैं रास्ते में हूँ, तो आगे सेलिब्रेट करते हैं, तो इंशाल्लाह आ जाता है वो, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। रोबिन जो है वो चीज़ के पास आके रुका हुआ था, तो वहाँ से कॉल करवा रहा था मुझे, ये वाला गेट एक्चुअली बंद होता है। तो अभी मैंने उनको समझाया है जिसके साथ आ रहे हैं वो दूसरी साइड से आ रहे हैं, और बेसिकली वो यूज़ कर रहा है इन ड्राइव, उसके ज़रिए आ रहा है और ऑटो पे आ रहा है। आपको पता है कि गोरे जो होते हैं ना ये इस चीज़ के बहुत दीवाने होते हैं। ये ऑटो आ गया सामने, उसके साथ बातें कर रहे हैं, अब यहाँ तक तो आवाज़ आ रही है। अभी हमारे ब्रदर आ गए और अभी इनसे बात भी करते हैं, और इसके बाद जो है मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगा क्योंकि अभी मैं टाइम स्पेंड करूँगा और इंशाल्लाह सुबह दोबारा मुलाकात होगी। हाय हाउ आर यू? Assalamualaikum, कैसे वालेकुम हो सलाम। आप? I'm doing really fine. Thank you. I'm so glad to be your mehman. He's such a cool guy, man. थैंक यू। So good night, गुड नाइट। and I'll see you guys on more vlogs. I'm Together. Ruben, adventure attitude, I guess. Oh, nice. Thank you. Cheers. Ciao.